Hello everyone, in this video I am going to do question number 4 of worksheet 2 chapter number 11 understanding quadrilaterals. So I am reading the question here. Question is, two adjacent angles of parallelogram are in the ratio 1:5. Find all the angles of the parallelogram. So start karte hain question. ये देखो, ये मैंने बनाया पैरेललोग्राम, राइट? और इसकी लेबलिंग करेंगे, दिस इज ए बी सी एंड डी. क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक साइड ए बी है, तो ए और बी पॉइंट जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस है, और इन वर्टिसेस पे जो दो एंगल बने हैं इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे. तो दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशियो जो है वो 1:5 दी रखी है. तो मैं एक एंगल को एक्स बोल दूंगा, एक्स डिग्री, और दूसरे को बोल दूंगा 5x डिग्री. और ये जरूरी नहीं कि मैं ए और बी को एक्स और 5x एज्यूम करूं, मैं इसको एक्स और इसको 5x भी एज्यूम कर सकता था. आपने दो एडजेसेंट एंगल्स लेने हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं. लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम, राइट? इन विच एडजेसेंट एंगल्स B, एडजेसेंट एंगल्स B, जैसे मैंने एंगल A क्या ले लिया, X डिग्री, एंड एंगल B आई हैव टेकन 5x डिग्री. क्यों लिए X और 5x? क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल्स की जो रेशियो दे रखी है वो 1:5 है. अब आपको पैरेललोग्राम के बाकी सारे ही एंगल्स फाइंड आउट करने, ऑल एंगल्स. तो अब आपने क्या करना, ये देखो, ए डी और बी सी ये पैरेलल हैं या नहीं? पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. और आपने बोला है कि ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. तो यहां पर ए डी और बी सी क्या होंगी? पैरेलल. और ये होगी ट्रांसवर्सल. तो बताओ जरा, इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशनशिप है? मैं आपको अलग से भी करके दिखा देता हूं. ये देखो, जैसे ये है और ये है, और ये एक ट्रांसवर्सल है. बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये और ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? ए डी पैरेलल बी सी. एंड ये मैंने आपको रफली समझाने के लिए किया है. एंड ए बी बी आ ट्रांसवर्सल. ए बी क्या होगी? ट्रांसवर्सल, राइट? देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों ही अंदर की तरफ बने हुए हैं और ट्रांसवर्सल के ए की तरफ है. तो आप इसको लिख देंगे 180 डिग्री के इक्वल. और इसका रीजन लिख दो आप, को इंटीरियर एंगल्स. अब एंगल ए कितना है? एक्स डिग्री. प्लस बी कितना है? 5x डिग्री. इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. तो 5x प्लस 1x बनेगा 6x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6. तो डिवाइड कर दो, 6 3s are 18 एंड 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री. तो आप क्या बोलेंगे कि देयरफॉर एंगल A, क्या अज्यूम किया था आपने एंगल A को? x डिग्री. तो 30 डिग्री आ गया. इसी तरह से आपने एंगल बी कितना एज्यूम किया था? 5x डिग्री. तो वो 5 × 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 150 डिग्री. अब ए और बी आ गए तो सी और डी आना तो बिल्कुल इजी है. क्यों? वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स, आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, राइट? सो
एंगल ए के बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल सामने कौन सा एंगल है, ये देखो एंगल ए के ऑपोजिट एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो सिंस एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट, तो देयर फोर एंगल सी भी कितना बन गया 30 डिग्री, राइट। फिर आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ही ऊपर लिखी है ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सिंस एंगल बी इज देयर विद यू 150 डिग्री, तो व्हाट अबाउट एंगल डी, ये भी 150, निकल गए सारे एंगल, राइट। सो देयरफॉर इकट्ठे लिख दो अब, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, राइट, और इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, होप यू हैव अंडरस्टूड इट, थैंक यू।